आपको अपने ट्वींस बेबी की सॉलिड जर्नी स्टार्ट करने से पहले ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपके बच्चे अभी सॉलिड लेने के लिए तैयार हुए हैं या फिर नहीं। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट बताने वाली हूँ जिनसे आप बहुत ही आसानी से पता कर सकती हैं कि आपके बच्चे अब सॉलिड लेने के लिए तैयार हैं। और आप एक बात का और ध्यान रखें कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपके दोनों बच्चे एक ही टाइम पर सॉलिड लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हों। दोनों में थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, तो आपको इसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहला पॉइंट है कि आपके बच्चे 6 मंथ के कंप्लीट होने चाहिए। 6 मंथ से पहले आप बच्चों का सॉलिड स्टार्ट ना करें, क्योंकि शुरुआत के 6 मंथ तक दोनों बेबी के लिए माँ का दूध सबसे ज्यादा अच्छा होता है एंड माँ के दूध से दोनों बेबी को सारे पोषक तत्व एंड पानी की कमी बहुत ही आसानी से पूरी हो जाती है। इसलिए उनको ऊपर की कोई भी चीज लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। और शुरुआत के 6 मंथ तक बच्चे माँ के दूध को डाइजेस्ट करने के अलावा और किसी भी चीज को डाइजेस्ट करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है। अगर आपका मिल्क अच्छे से नहीं आता है तो आप बच्चों को फॉर्मूला मिल्क ही दें, क्योंकि फॉर्मूला मिल्क में वो पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि माँ के दूध में होते हैं, इसीलिए बच्चे उसको बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं। जब आपके बेबी 6 मंथ के कम्प्लीट हो जाते हैं उसके बाद ही आप सॉलिड स्टार्ट कर सकती हैं, क्योंकि 6 मंथ के बाद ही बच्चे जो है हर चीज को अच्छे से पचाने के लिए तैयार हो पाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि आपके दोनों बेबी सिर और गर्दन को कंट्रोल करने में सक्षम हो। एंड तीसरा पॉइंट है, आप जब भी बच्चों के सामने भोजन करने के लिए बैठती हैं तो आपके दोनों बेबी उस भोजन में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देते हैं, और साथ ही में वो खाने के लिए हाथ बढ़ाएं या फिर मुंह को खोलें या फिर चबाना स्टार्ट कर दें। एंड चौथा पॉइंट है कि 6 मंथ के बाद आप उनको दूध पिलाती हैं एंड बार बार दूध मांगने के बाद भी उनका पेट नहीं भरता है और उनको बहुत ही जल्द भूख लग जाती है। एंड पांचवा पॉइंट है कि जब भी आप बच्चों को चम्मच देती हैं तो वो अपने मुंह को खोलते हैं एंड जीभ को बाहर नहीं निकालते हैं और बार बार खाने की कोशिश करते हैं। और ये जो साइन होते हैं वो आपको ये बताते हैं कि अब आपको ट्विंस बेबी का सॉलिड स्टार्ट कर देना चाहिए। और ये जो साइन होते हैं वो दोनों बच्चों के लिए अलग अलग टाइम पर भी हो सकते हैं, तो आपको इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और ये छोटा सा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।